आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर जय वाहिद नवबे थे कौम की तोहिन कदर जिम्मेवारन के हर सूरत में इंसाफ के कटहरे में आंदो वो कें शहीद की यादगार की बेहुरमती की इजाजत नी वी शहीद हथियार फौज कानून लागू कद इदार सरकारी अहलकार पाकिस्तानी आवाम लाए फखर है मुनजम रथाबंदी से कल अलमनाक वाक्य की बीहर इजाजत नी वी पाकिस्तानी आवाम की दिल में शहीद जो अजीम मकाम हमेशा कायम रह आईएसपीआर मूजिब रमी चीफ सियालकोट गिरिजन जो दौरों किया शहीद की यादगार से गुल रखा वजीर आजम शहबाज शरीफ के चवण है इमरान खान लागे तो हथियारबंद फौज के मौजूदा आर्मी चीफ के बदनाम किया नव मे थे रियासत उनसे हसास सदन से थियल हमलन जो कड़ी संदस तकरीरन से मिलन थी पीटीआई चेयरमैन पैंकी सियासी तहरीक के हक बातिल विच में जंग करार डेण लाइ आजादानी तौर मजहबी तस्वीर कश कई है इमरान खान वरी चालाकी से हकीकी आजादी वारे नारे से पेंो फिरको तैयार किया संदस मकसद कारकुनन के तशद से भड़कायण हो जो नव मे से मुशाहिदो किया देखें इसके पीछे मास्टरमाइंड तो इमरान खान ही है बाकी उसके बाद फिर छोटे छोटे मास्टर्स भी हैं जिन्होंने उस दिन लोगों को तरगीब दी लोगों को मोटिवेट किया तो ये सभी लोग जो हैं इनके प्लाक इनके ख़िलाफ़ बड़े यानी शाफी सबूत मौजूद हैं तो उन लोगों को जो है वो इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा और उनको जो उन्होंने किया उसका नतीजा मिलेगा देखिए इनका कोई मुस्तकबिल ना पहले था ना अब है ये एक फितना था और फितने का कोई मुस्तकबिल नहीं होता ये इसने इस मुल्क को हादसे से दो चार करना था तो ये खुद ही हादसे से दो चार हो गया है ये अल्लाह ताला ने इस मुल्क के ऊपर करम किया वफाकी घरू वजीर पीटीआर चेयरमैन इमरान खान के नव में वाके जो मास्टर माइंड करार दे छो राणा सनावला जो चवण है इमरान खान नव में वाके जो मास्टर माइंड है उन नंढा मास्टर आन जिन मान के भरकायो हसासदार के हेडक्वार्टर्स से हमलो कंदड़न जा सबूत मौजूद आन सदन सुणप टेक्निकल बुनियादन से थी चुकी है मुलवज जवाबदान के इंसाफ के कचहरे में आंदो वो पीटीआर जो को मुस्तकबिल ना है न ही हो पंजाब के निगरा हुकूमत तरीके इंसाफ के 24 कलाकन जो अल्टीमेटम दे छो इतलात वारे निगरा वजीर आमिर जो चवण है फौजी मिल्कियतन से हमला कंदड़ 20 का 40 तरबियत याफ्ता दहशतगर्द समान पार्क में मौजूद हैं पीटीआई नॉन स्टेट एक्टर जो रूप इख्तियार कर रही है इमरान खान एक साल का पाक फौज उनकी क्यादत खिलाफ सिर उगाचे रो है हमलन में मुलविस माण खिलाफ सख्त कार्रवाई कई वी मुल्क में मनसूबाबंदी तहत हमला किया गया लगे तो इमरान खान लाए मुल्क में को भी कानून ना है दहशतगर्दन जो केस फौजी अदालतन में हलए खेन इब्र जो निशानो बनाए वो पीटीआर के एडिशनल सेक्रेटरी आमिर महमूद कयानी पार्टी ए सियासत छड़न जो ऐलान कर छो चवे तो फौज से वेझो लगापो है इमरान खान से भी ताल्लुक रो है पर जीएचक्यू ए कोर कमांडर हाउस वो वाक्य अफसोस जोगो है पाकिस्तान बोहरान में है पीडीएम जो मेहरबानी है नैब रावलपिंडी तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने बुशरा बीबी के सुभाने घुराए वरतो नैब की टे रुकनी टीम नोटिस देने लाए लाहौर की जमान पाक पौती अलकादिर प्रेस केस बाबत दस्तावेज गड खी अचान की हिदायत नोटिस में पेश न थियण की सूरत में कानूनी कार्रवाई की वार्निंग पिण दी वही इस्लामाबाद हाईकोर्ट इमरान खान के वधी कें भी केस में गिरफ्तारी का रोकण वे हुक्म में 31 मई तई वाध कर छी
वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब चयो आहे त नव मई जे ॾींहुं क़ौमी सानेहो हसास ठिकाणनि ते मनसूबाबंदी तहत हमला कया विया। इमरान ख़ान जे चवण शिर पसंदनि मिल्कियतुनि खे नुक़सान पहुचायो। ज़मान पार्क हींअर बि हथियारबंदनि जतनि जे पनाहगाह बणियल आहे। भरूच इलाके जानी मदो खेल में सिक्योरिटी फोर्सेज जो ऑपरेशन दहशतगर्द मारी पिया। आईएसपीआर मौसम मारी वेल दहशतगर्दन के कब्जे में गोला बारूद ए गरा हथियार किया गया है। परदेही वजीर बिलावल भुट्टो जरदारी चयो आहे त हर शोबे में सुधारा अचण घुर्जन। परदेही मामले में बेहतरी लाइ कम कयो पियो वञे। शहर पाकिस्तान प्रोटोकॉल जी तकरीब में शिरकत करे खेस खुशी थी आहे। इस्लामाबाद में तकरीब खे खिताब कंदे बिलावल भुट्टो जरदारी चयो त शहर पाकिस्तान पोर्टल ज़रिए पाकिस्तान जो बेहतरीन तशख़ुस उजागर कंदो। पोर्टल जे क़याम सां अवामी इदारा जाती सिफारतकारी बहितर थींदी। परदेही मामलनि में बहितरी आण लाइ वधीक सुधारा आंदा पिया वञनि। वफाकी वसी शासी अमरीश चवणाए थे नव मई ते शिरपसंद रियासती इदारन के ऑफिसन के नुकसान पहुंचाया। अड़न मान के सजा दियण जरूरी है तो जी अगत केर भी ये न कर सके। इमरान न्यासी मान के बाहर निकरे नुकसान करण लाइ भड़काइंदो रहियो। इमरान न्यासी जी अना खातिर मुल्क के तबाह थियण न ॾिनो वेंदो। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वाब जे चवणाए थे इमरान खान पेंजी सिदैना जो गुलाम है। इमरान खान बहादुर के हाथ इमरान खान पेंजी सिदैना जो गुलाम है। इमरान खान बहादुर के हाथ जेल में कारकुन सा गल जया। इमरान खान इदारन की सालमियत के नुकसान पहुंचाया। मुल्क जो दियालो कढ़ण लाइ हुननि माण्हुनि सब कुछ कयो। सूबाई वजीर शर्जिलना मेमर चयो आहे त ही माण्हू पाकिस्तान की तरक्की ॾिसण नथा चाहिनि, रुगो ॾफेड़ पखेड़ चाहिनि था। अहिड़नि वाक्यनि ते पूरी दुनिया की नज़र हूंदी आहे। सिंध में टिन बसनि जा शीशा तोड़िया विया ऐं हिकु बस खे साड़ियो वियो। पीपल्स बस आवाम जे टैक्स जे पैसनि सां आयूं आहिनि। इमारती हुकूमत पारां कराची में एशिया के सब का वही वीजा सेंटर जो क़याम। अगुड़े वजीर आजम यूसुफ रज़ा गिलानी पारां वीजा सेंटर जो दौरो। यूसुफ रज़ा गिलानी जो चवण है न रुगो लखे पाकिस्तानी गडियल अरब इमारात में रोजगार हासिल कर रहा है पर नाड़ो पिण मोकिलन था। जॉब वीजा जो दो बी सहूलतू दियण से हू पूरी कौम तरफा इमारती हुकूमत जो दौरो मने तो। बखत अतीकुर रहमती जो चवण है इमारती हुकूमत अवाम हर पाकिस्तानी भारत से कुलो कुले में मिलाई भी थियल है। पीपल्स पार्टी बदीन जिले के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का नाला फाइनल कर छाया। बदीन जिले के चेयरमैन लाइ अली अजगर हाले पोटो, म्युनसिपल कमेटी बदीन लाइ चेयरमैन पीर मोहम्मद सालेह कुरेशी, वाइस चेयरमैन अली अकबर मेमण, तारके गुलारची लाइ अब्दुल सत्ताम आराई, चेयरमैन ए तलाल लाइ अब्दुल अजीज जमाली चेयरमैन नामजद किया गया। टंडो बागो से अना फैसलो न थी सको। चोरंगी कुआरी चोरंगी फलानू मच्छर कॉलोनी तो यो जो मानू बार अचे उनके बुधानो तो ये सब बाद में जी शूं अस क्यों उन्हें को असली का गाल अड़ी को नालो को असली नाले वन से एकदम जहन में अच्छे इलाही पुरानो नालो इन कराची जो इलाही पुरानी तारीख रखे थी।
ओजा कैंपस आए डाओ जो उते टीबी सेंटर ठाई हुई दीपचंद ओजा के नाले से नेबा सुखरामदास ओजा मामदरी जिना जो को वो एम ए जिना रोड यो बंदर रोड हो एम ए जिना रोड हवा बंदर जो नालो अस बदरी कर छोड़ी बाथाई लैंड खरदकारी हुई अस बाथाई लैंड कर छोड़ी तो अड़े नमूने से घना नाला जो तब्दील क्या वह उन्होंने उन शेप में सिंध गवर्नमेंट के आने प तारीख लिखंदड़ पाण तारीख में अमर थी वयो सिंध जो नाले वारो लेखक महकक ए तारीख तान गुलसन कलमती डिगो अरसो बीमार रहन का पोए लाडाणो करे पियो जिनासने मास अदा करण का पोए मड़ मिट्टी माव हवाले पीपल्स पार्टी जिले मली जो सदर सलमान अब्दुल्ला मुराद एमएनए अब्दुल हकीम बलोच एमपीए सलीम कलमती एडमिनिस्ट्रेटर जिले काउंसिल कराची नूर हसन चौकियों समेत अदीबन इशारन की शिरकत वे वजीर मादली शाह इतलात वे सूबाई वजीर शर्जील लामेमड़ ए बिन पारा गुलसन कलमती के लाडाणे से दुख जो इजहार भानसईदाबाद वेझो वहाड़ के गोठ महर में ताजो आईबीए टेस्ट पास करे पीएससी भर्ती थियल नारी जो गोलियों लगल लाशत पुलिस नवीन फातिमा महर जो लाश पोस्टमार्टम का पोए वारसन हवाले कर छो नारी के वारसन पारा मौके आपघात करार इलाके में कतर जाचो बोल एसएसपी जामशोर इमरान कुरेशी नोटिस वे वाके की हलूख का जांच करण जो हुक्म दे छो नवीन फातिमा के वारसन के अज एसएसपी ऑफिस जामशोर तलब किया इमरान कुरेशी है कतल साबित हो मुलविस जवाबदान खिलाफ कानूनी कार्रवाई कई वी हैदराबाद में प्रिस्टार नमूने फोत थियल पारिस शाह के मौतवारो मामलो हल थी पो गिरफ्तार जवाबदार पारा नौजवान के कतल करण जो इंकशाफ एसएसपी सांगड़ बशीर अहमद प्रोही जो चवण है हैदराबाद में कतल थियल नौजवान पारिस शाह की साल फरजाना चा इसरार शाह से लागापा हुआ जैसे खेस कतल कर वो पारिस शाह की घरवारी इसरार शाह की गिरफ्तारी बात फरार थी वही है गिरफ्तार जवाबदार इसरार शाह डूह जो एतराफ़ किया है शिकारपुर के लखीदर थाने के हदम में बिन पुलिस ऑफिसर विच में मामूली गाल जेड़ो जवाबदार एसआई सनान पीरजादे के गोली हणी साथी एसआई हबीबुल्ला सुमरे के कत्ल कर छो पुलिस मकतूल जलाश जरूरी कार्रवाई का पोए वारसन हवाले कर छो खैरपुर वेझो मीरन जी डेड वे इलाके में जनरेटर में बाह लगण सब सड़ी जख्मी थे औरत नीगरी फौत हयाती मांदड़न जो अंग वधी चा थी वो अमरीन शेख ए शाह केम्स अस्पताल में जख्म की सट संदे दमदणी हवाले कयो नीगर अहमद ए नीगरी आयत बनी अंग फौत थी गया हुआ कायदे वाम यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग नवाब शाह में रिटायर्ड वीसी जी बीहर मुकररी चैलेंज सिंध हाई कोर्ट सर्किट बेंच हैदराबाद चीफ सेक्रेटरी सिंध ए सेक्रेटरी यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड के नोटिस जारी कर छा पेरी जून से जवाब दाखिल कराने जो हुक्म इंसानी हक के कारकुन ए समाज अगवाण काजिम हुसैन मईसर दरख्वास्त दाखिल कराईदे मौके अख्तियार किया रिटायर्ड वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सलीम रजा समूह जी बीहर मुकररी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की भंज कड़ी है
आई कादरपुर में पुलिस पारा कुछ डी अग मोबे नागवा कितल नौजवान बासाब करांची दावा आंध सुंदरानी पुलिस बोर्ड लडर बेलोवासी एसा लुडर के कचेमा बासाब क्राइवर तो पुलिस मौचब धाड़िल मकवी के एक का बेहद मुंतकिल करे रहा हुआ तो कार्रवाई करे केस बासाब क्राइवर वाहे।